ठीक है, तो मैं ग्राफ के बारे में बता रहा था। जैसे आपने देखा एक लाइन है y बराबर mx प्लस c, और आप कह रहे हो इतनी सी बात कि ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, जीरो जीरो से पास हो रही है। तो आपको देखेंगे जीरो जीरो से पास होने का मतलब है कि ये चीज़ जीरो, ये चीज़ जीरो, तो सी भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी कि कोई भी लाइन अगर जीरो जीरो से पास होगी, इसका मतलब है कि जो कॉन्स्टेंट टर्म का मान होगा उसमें वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, यही मतलब है इस बात का। तो कई बार तो इतना सा सवाल पूछ लेते हैं, तो आपको लाइन पहचानना आना चाहिए कि भी कौन सी लाइन जीरो जीरो से पास हो रही है और कौन सी नहीं। तो जिसमें कॉन्स्टेंट टर्म जीरो होगा वो सब लाइन किससे पास होंगी, जीरो जीरो से पास होंगी, ओरिजिन से पास होंगी। 25 हो गया। ठीक है, तो मैंने यही बताया अभी कि जीरो जीरो से कौन सी लाइन पास होंगी जिसमें कांस्टेंट टर्म जीरो होगा। जैसे ये सवाल भी पेपर में पूछा हुआ है, बल्कि मेंस में ही पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी लाइन है जो बताओ जीरो जीरो से पास होगी। तो खाली ये मतलब नहीं है कि ये जीरो आ गया, इधर जीरो आ गया, मतलब कांस्टेंट टर्म उसमें होना ही नहीं चाहिए। तो सब में कांस्टेंट टर्म है, केवल सी में कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब कि जीरो जीरो से पास होगी, इतनी सी बात। ठीक है, कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास होगी उसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, जैसे ये एक लाइन है, ये सवाल भी 2013 मेंस में आया, ये आप देख रहे हैं कि इन्होंने बोला ये लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, और ए नॉट इक्व टू जीरो, बी नॉट इक्व टू जीरो, लेकिन सी इक्व टू जीरो है, यहाँ पे नॉट वाला नहीं है, सी इक्व टू जीरो है। तो ये पूछ रहा है कि ये लाइन किससे पास होगी, तो आप समझ जाएंगे जीरो जीरो से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। कॉन्स्टेंट टर्म जीरो होने का मतलब ये कि लाइन ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, तो हमें कोई भी लाइन बनानी है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि यार एक लाइन बना के बताओ आप, वाई बराबर 3x मैंने बोल दिया आपको कि यार लाइन ड्रॉ करके दिखाओ, तो इस लाइन को देख के आप ये डायरेक्ट बोल सकते हो नहीं कि लाइन ओरिजिन से पास होगी, ये तो तय हो गया कि लाइन ओरिजिन से पास होगी। अब हमें देखना है यहाँ से तो ये पास होगी, अब कैसे जाएगी वो देखना है। तो आप बताइए इसकी स्लोप कितनी है, m बराबर 3, यानी कि टेन थीटा बराबर 3 है। हम जानते हैं कि टेन 60 बराबर कितना होता है, रूट 3, यानी कि 1.73 होता है, और ये इससे ज़्यादा है। और हमने ये टिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि 10 की वैल्यू बढ़ती है एंगल बढ़ने के साथ, यानी कि जो ये 3 होगा ये लगभग 70 के आसपास होगा। तो ये लाइन कैसे जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। लाइन हम देख के बता सकते हैं ना कि कैसे बनेगा उसका ग्राफ। अच्छा, आपने देखा होगा मॉड एक्स के ग्राफ बनाने की अगर बात करें, ये नोट कर लिया आपने, साथ के साथ नोट करते रहो जल्दी जल्दी, बहुत फास्ट चलना है। ठीक है, आने लगेगा थोड़ी देर में समझ में, जैसे भी पिछली क्लास में अगर आप नहीं थे तो थोड़ी देर लगेगी समझ आने में, हो जाएगा। लेकिन ये बहुत गलत ही बात है, अब मैं इसको कितनी बार गलत कहूँ कि आप छुट्टियाँ मारेंगे तो बहुत मुश्किल होगी समझने में, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप। वर्ल्ड कप में मैच पहले होगा ये बोला था आपने, अरे फाइनल में बोला होगा हमने, कोई ऐसे हम छोटे मोटे मैचों में बोलेंगे। आज का मैच तो ऐसा है कि ना भी हो तो भी इंडिया फाइनल में, कैंसिल भी हो जाए तो बस डकवर्थ लुईस नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो लग गया तो फिर बाहर है इंडिया। तो जैसे वाई बराबर अगर मॉड एक्स के ग्राफ की बात करें, तो मॉड एक्स का मतलब क्या है, मॉड एक्स की डेफिनेशन आप सबको पता होनी चाहिए। मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है कि इसका मान में मॉड एक्स एक्स ही हो सकता है अगर एक्स बड़ा हो जीरो से बराबर हो। आप बताओ अगर x का मान 3 है तो y कितना आएगा, मोड 3 क्या होता है, 3 ही होता है। तो इससे अच्छा फिर मोड क्यों ही लगाना, उसको 3 ही लिख देते हैं। यानी कि मोड x को x ही लिखा जा सकता है अगर कोई इस बात की गारंटी दे दे कि x पॉजिटिव है। लेकिन अगर कोई इस बात की भी गारंटी दे दे कि x नेगेटिव है तो इसको नहीं, इक्वल टू भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस जीरो जीरो होता है। तो हम इसको माइनस एक्स लिख सकते हैं, कैसे, जैसे आप खुद ही देखो दोनों से बराबर उत्तर आएगा, मैंने माइनस एक्स लिखा। अगर आप एक्स या माइनस दो डाल दो तो मोड क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। आप एक्स यहाँ डाल दो माइनस दो तो भी कितना आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों इक्वल है या नहीं। तो जब मोड एक्स के ग्राफ बनाने की बात आएगी, किसी ने कहा यार मोड एक्स का ग्राफ बनाओ, तो हमें पता चल गया कि एक्स अगर जीरो से बड़ा है इस लाइन पे, एक्स अगर इस लाइन पर है इसका मतलब वाई बराबर एक्स है। तो वाई बराबर एक्स का ग्राफ क्या होगा, ये होगा या नहीं होगा, ये होगा। अच्छा, वाई बराबर माइनस एक्स है, माइनस एक्स का मतलब स्लोप कितनी है, माइनस वन है, माइनस वन का मतलब टेन 135। यानी अब ये जो माइनस एक्स वाली लाइन है वाई बराबर माइनस एक्स, ये जीरो जीरो से तो पास होगी लेकिन ये 135 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ से 135 डिग्री के कोण का मतलब ये 135 डिग्री कोण हो, तो ये मॉड एक्स का ग्राफ हो गया, y बराबर मॉड एक्स।
बात समझ गई कि नहीं? एक बार सीपीयू के पेपर में सवाल आया, ये मिटा दें, लिख ले थोड़ा सा, जल्दी जल्दी लिखेंगे, ठीक है। अब हमने देखा कि y बराबर, किसी ने हमसे पूछ लिया कि यार मॉड x प्लस x का ग्राफ बनाओ क्या होगा, मॉड x प्लस x का ग्राफ ऐसे बना दिए, चार ऑप्शन दे दिए, कोई बात नहीं आ जाएगा धीरे धीरे समझ। देखिए अब हम क्या करते हैं, इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं। पहले पहले ये लिख लेते हैं कि भाई अगर ये x बड़ा है जीरो से, तो आप बताइए x ही बन जाएगा कितना हो जाएगा, 2x, और x अगर छोटा है जीरो से तो ये माइनस एक्स होगा जीरो। यानी इसका जो ग्राफ बनेगा, x जब छोटा होता है जीरो से तब कहाँ होता है, ये लाइन होती है, ये तो पॉजिटिव x एक्सिस है, ठीक है, यही तो लाइन होती है। तो इस लाइन में वाई का मान जीरो है, वाई जीरो कहाँ होता है, यहाँ। यानी ग्राफ कहीं बढ़ेगा ही नहीं, इसी लाइन पे रहेगा। लेकिन अगर मैं एक्स बड़ा है जीरो की बात करूँ तो ये 2x होगा, और 2x क्या है, 1.73 से थोड़ा ज़्यादा है, तो जो ग्राफ का झुकाव होगा वो वाई एक्सिस की तरफ होगा, बिल्कुल बीचों बीच से नहीं जाएगा। तो ये उत्तर इन चारों ऑप्शन में तो करेक्ट है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। अगर ये चार ऑप्शन है तो ये करेक्ट है, वैसे अगर ये भी है और ये ऑप्शन भी है तो ये करेक्ट है। अगर इसमें एक और ऑप्शन ये होता जो थोड़ा इधर की तरफ झुक रहा होता, तो ये वाला उत्तर होता है इसका, क्योंकि y बराबर 2x का मतलब है कि ग्राफ y एक्सिस की तरफ ज़्यादा झुका रहेगा। इतनी सी बात भी पूछी जा सकती है कि इस चीज़ का ग्राफ ऑप्शन होंगे नियरेस्ट टू पॉजिटिव y एक्सिस, नियरेस्ट टू नेगेटिव y एक्सिस, नियरेस्ट टू पॉजिटिव x एक्सिस। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, नियरेस्ट टू पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस होगा। कहाँ होगा ये, पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा। बोलो भाई क्लियर है ये बात? अच्छा अगर मैं यहीं पे आपसे ये पूछ लूँ, ये मिटा दें दोस्त, आपको अरे मैम समझ आ रहा है आपको पक्का? ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। आप तो यार मेंस की तैयारी में जब से आए हो बहुत कमज़ोर होते जा रहे हो लगातार। नहीं पहले फिर भी ठीक थे, कह रहे पहले कौन सा खाली था, थोड़े बड़े तो ठीक थे कम से कम, अब मेंस में तो और ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई आपकी। अच्छा y बराबर अगर मॉड x माइनस x का ग्राफ कोई आपसे पूछ ले और कहे कि किस एक्सिस के करीब होगा, तो क्या जवाब होगा? देखिए कोई ना कोई किसी ना किसी के करीब तो होता ही है। नेगेटिव y एक्स, हाँ बिल्कुल, देखिए आपने बहुत सही बोला। अब अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन लिखें तो ये जीरो आ जाएगा x बड़ा है जीरो के लिए, और माइनस टू एक्स आ जाएगा एक्स अगर छोटा है जीरो के लिए, तो वाई बराबर माइनस टू एक्स यही होगा ना, वाई बराबर माइनस टू एक्स। तो अब आप ही बताइए किधर की तरफ जाएगा ग्राफ, माइनस टू है। अच्छा ये बताओ 90 से 180 के बीच में 10 का मान क्या होता है, घटता है, घटता है नहीं बोलो, 90 से 180, क्योंकि 180 पे कितना हो जाता है जीरो हो जाता है, तो घटता है, 90 पे मैक्सिमम है, तो 135 पे कितना होता है माइनस एक। अगर और छोटा है तो एंगल बड़ा होगा या नहीं, बड़ा होगा एंगल, लगभग 135 से भी बड़ा होगा, यानी कितना होगा 140 150, क्योंकि माइनस एक छोटा है, तो ये ग्राफ इधर की तरफ जाएगा माइनस टू एक्स वाला, आपने गलत बता दिया। तो ये नियरेस्ट टू क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, आप वाई एक्सिस बता रहे थे, आपको गलती समझ में आई नहीं आई, आप पता नहीं कैसे आदमी हो, मुझे समझ में नहीं आता कि टेन थीटा माइनस टू है, और मैं जानता हूँ कि 135 पे ये माइनस एक होता है, लेकिन अगर ये माइनस टू है और छोटा हो गया, यानी कि एंगल 135 से भी बड़ा है, और जो बीचों बीच में लाइन जाएगी बिल्कुल बीचों बीच में ये बनाएगी 135, तो आप कह रहे हो एंगल उससे भी बड़ा है, तो ग्राफ क्या चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, यानी उत्तर होगा इसका नियरेस्ट टू नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये सबसे करीब किसके होगा, एक्स एक्सिस के, माइनस एक्स एक्सिस के सबसे करीब होगा, से हर आदमी अपना किसी के ज़्यादा करीब है किसी के कम करीब, तो इसका उत्तर है कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के सबसे ज़्यादा करीब होगा। आपने वाई बता दिया, आपने क्या इसको इधर की तरफ ले गए, गलत किया आपने, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए मैं आगे सवाल पूछता हूँ, इसको मिटा दें, ग्राफ वाली बात आपको समझ आ गई, बहुत बढ़िया साहब, आप बहुत आगे जाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों गलत फहमी हो रही है। एक छोटा सा सवाल आपके सामने है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच फॉर्म्ड बाई थ्री लाइन्स 3x + 4y = 84y = x और y एक्सिस। जल्दी से बता दें, जल्दी से, वक्त नहीं है हमारे पास।
देखिए इतनी देर में तो 6 उत्तर आ जाते, ऐसे 6 सवालों के उत्तर आ जाते इतनी देर में। देखिए पहले तो इस लाइन को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बटे 28 प्लस वाई बटे 21 बराबर 1। एक्स बटे 28 प्लस वाई बटे 21 बराबर 1। तो ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। तो एक्स 28 है और वाई 21, ये लाइन कैसे जाएगी ऐसे। अब वाई बराबर एक्स बिल्कुल इसको ऐसे चीरते हुए निकलेगी। क्या आप बता सकते हैं कि जो वाई बराबर एक्स लाइन है वो इसकी मीडियन होगी? होगी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये दूरी बराबर होती, जैसे ये दूरी 28 है और ये दूरी 21 है, तो ये आइसोसेलस ट्राइंगल नहीं है। अगर ये आइसोसेलस ट्राइंगल होता, ये एंगल बाइसेक्टर तो है क्योंकि ये 45 का कोण बना रही है, लेकिन एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा या मीडियन होगा वो तभी संभव है जब वो आइसोसेलस ट्राइंगल हो। तो ये आइसोसेलस नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, हमें कौन सा बताना है, किस ट्राइंगल का एरिया हमें इस ये एरिया बताना है, हमें ये एरिया बताना है। मैं इस ट्राइंगल को बना लेता हूँ सफ़ेद रंग से, ये एरिया हमें बता। तो आप खुद बताइए कि ये बेस है, ये बेस है नहीं है? अगर ये बेस है तो मैं ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकाल दूं तो ये हाइट हो जाएगी इस ट्रायंगल की, और अगर एक्स एक्सिस दिया होता तो ये वाली हाइट होती वाई कोऑर्डिनेट। तो आपको बताइए कि दोनों बराबर होंगे, कब होंगे? जब 7x बराबर 84, यानी x कितना आ गया 12, ये दोनों 12 12 होंगे, क्योंकि ये वो लाइन है जहाँ पे x और y बराबर है दोनों। y बराबर x का मतलब क्या है? तो x कितना आ गया 12, ये चीज़ 12 हो गई। अब एरिया निकालना है हमें, तो एरिया क्या होगा, डेल बराबर हाफ 21 गुणा 12 126, ये उत्तर। अच्छा अब एक चीज और भी कर सकते थे, मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इतना लिख लीजिए फिर समझाता हूँ। अभी बता देंगे दोबारा से, अभी बता देंगे। मैं एक चीज़ और कह रहा था आपसे, आपको ये पता है कि ये एंगल बाइसेक्टर है, और अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये सामने वाली भुजा को 7 21 7 4 28 3 और 4 के अनुपात में बांटेगा ये बेस को, और अगर ये 3 और 4 के अनुपात में बेस है तो एरिया का अनुपात भी वही होगा। तो आप पूरे का एरिया निकाल के, जैसे पूरे का एरिया आएगा हाफ इंटू 21 गुणा 28, और हमें इस ट्राइंगल का निकालना है तो 3/7 कर देंगे, और दूसरे का निकालना होता तो 3/4/7 कर देते। तो 7 × 2 = 14, 2 बार कट जाएगा बराबर 126। ये भी एक तरीका है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो सामने वाले ट्राइंगल को इसी अनुपात में बांटता है। क्या पता ऐसा सवाल पूछे और आपसे कहे कि इसके इसके एरिया का अनुपात बताओ, आप दोनों का एरिया निकालने में इतना टाइम लगा देंगे, जबकि इन दोनों के एरिया का अनुपात क्या होगा, जो ये बेस का अनुपात होगा ये पढ़ेंगे भी हम ज्योमेट्री में, और बेस का अनुपात क्या होगा जो एंगल बाइसेक्टर उसको बांटता है, तो 3 और 4 में बांटेगा बेस। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। इसके बाद लिखें, ये मिटा दें सब, ठीक है। सोचो रिवीजन, रिवीजन में इतना टाइम लग गया, अभी तो सिर्फ रिवीजन ही ख़त्म नहीं हो पाया पूरा कोऑर्डिनेट जितना आपको प्री तक पढ़ के आना चाहिए था, क्योंकि ऐसा टॉपिक है बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, पढ़ते ही नहीं है, जैसे आपने छोड़ दिया। छोड़ो मत यार, बताए छोड़ना कुछ नहीं चाहिए जीवन में, छूटनी चाहिए हर चीज़, खुद से छोड़ने में कोई मज़ा नहीं अगर मन वहीं फंसा रहे तो। आज 1 साल हो गई तो लिखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 फ्रॉम ए पॉइंट x1, y1। तो ये एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और P एक पॉइंट x1, y1 ऐसे। ठीक है भाई, तो ये जो डिस्टेंस होती है D, ये किसके बराबर होगी? कुछ नहीं करना होता, बस हम ये पॉइंट इसमें पुट कर देते हैं, ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी बटे जो इनके कॉफिशेंट हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद होना चाहिए, इस पे अभी तक सवाल नहीं आया है, लेकिन आगे आने वाले समय में इस पे भी सवाल आने चाहिए। जैसे अभी 2-3 सवाल आएंगे, ये कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ पॉइंट की, तो कैसे निकाल देंगे डायरेक्ट,
डी बराबर, दो तीन इसमें रखेंगे, दो तिया छः, चार तिया 12 प्लस 17 बटे अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा, 12 17 35, 7 उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे आपको पता होनी चाहिए छोटी छोटी सी बातें, ठीक है। इसके बाद जैसे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस लिख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, जैसे कोई भी दो रेखाएं पैरेलल हैं, अगर नॉर्मल लाइन के बीच की दूरी की बात कर रहे हैं तो जीरो होती है, कोई भी दो लाइन जो पैरेलल नहीं है उनके बीच की दूरी जीरो है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाके मिल जाएंगी, ठीक है। तो पैरेलल लाइन है, मान लेते हैं ये पहली पैरेलल लाइन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर जीरो, और दूसरी पैरेलल लाइन है, आपको पता है कि अगर लाइन पैरेलल है तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम होंगे, यानी दूसरी लाइन भी क्या होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू बराबर जीरो, ठीक है। जैसे अभी जहाँ पे आपने पढ़ा था, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि अगर यही दूरी कोई हमने ओरिजिन से पूछे, जीरो जीरो से कोई दूरी पूछे लाइन की, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो की, तो ये डिस्टेंस डी आ जाएगी सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं क्योंकि जीरो जीरो रखेंगे खत्म हो जाएगा। तो यही बात अब हम पैरेलल लाइन वाले केस में यूज करेंगे कि जैसे मुझे इन दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी निकालनी है, तो मैं क्या करूं, ये वाली दूरी निकाल देता हूं परपेंडिकुलर डाल के, और ये वाली दूरी निकाल देता हूं, दोनों को घटा दूंगा, आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो जब डी हम निकालते हैं तो डी बराबर आता है सी वन माइनस सी टू बटे अंडर रूट, या सी टू माइनस सी वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ये जो मॉड है ना, ये हम बाद में लगाते हैं। अगर कोई ऐसे बोले कि यार ये फॉर्मूला होगा, आपको चार ऑप्शन दे दे कि कौन सा सही है और ऐसे लिख दे, तो ये सही है क्या फॉर्मूला, ये क्यों सही नहीं है भाई। नहीं नहीं मान लेते हैं कि जैसे इसमें क्या दिक्कत है, अगर पहले वाले पे माइनस लगा दो दूसरे पे प्लस तो चलेगा। चलो अच्छा ठीक है, नेगेटिव हो जाए, अब मैंने पूरे पे मॉड लगा दिया, अब सही है, अब तो आपकी बात के हिसाब से सही हो जाना चाहिए, लेकिन अब भी गलत है। बताओ क्यों, ये इस केस के लिए तो सही है, क्योंकि जब आप इधर से दूरी निकालोगे तो मान लेते हैं कि ये हमेशा 10 आएगी और ये 5 आ गए, तो 10 में से 5 घटाओगे 5 उत्तर आ जाएगा। इन केस मान लेते हैं दूरी यहाँ पे हुई और ये माइनस 5 आया, और आपने इस माइनस 5 को पहले ही प्लस कर लिया, तब तो 5 माइनस 5 जीरो बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि पहले आप घटा लो, जैसे आप 5 में से माइनस 5 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 10 आ जाएगा, और फिर मॉड लगा दो उसके बाद। तो ये चीज़ है इसीलिए कि लाइन अगर एक इधर रहे एक उधर रहे तो एक नेगेटिव आएगी एक पॉजिटिव आएगी, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक सवाल आपके सामने आया, ये लिख लिया आपने, ये तो एक एक बात आपको साथ के साथ ही याद हो जानी चाहिए। इस पे सवाल आ चुका है पहले भी, आगे भी आता रहेगा। जैसे ये लाइन है 3x प्लस 2 पैरेलल लाइंस, थोड़ा सा चेंज कर लो दूसरी लाइन में, आप इसको ऐसे लिख लो 6x गलत लिखा हुआ है प्लस 8y माइनस 36 बराबर जीरो, ऐसे लिख लो। अब आपको बताना है कि दूरी क्या होगी, कितना आ गया 6, ठीक किया आपने। आप समझ गए कि पहला लाइन है, तो पहले तो आपको एक कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे, 3x प्लस 4y माइनस 18 जीरो, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो डी कितनी होगी 12 और प्लस 18 हो जाएगा बटे अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 5, तो 6 उत्तर आ रहा है, नहीं ठीक है 6 आ रहा है। इसके बाद लिखें एंगल बिटवीन टू लाइंस, बात तो वही है, पहले इक्वेशन को 2 से गुणा कर दो तो 12 दूनी 24 में से 36 गए 60 और नीचे 10 आ जाएगा, 60 बटे 10 6 आ गया, वही तो आ रहा है। पहली को 2 से कर लो, बल्कि पहले को 3 से करो, और इसको 2/3 से तो भी सेम हो जाएगा, उत्तर तो वही आना, रेखाओं के बीच की दूरी तो वही है। गुणा करने से बस क्या हो रहा है कि लाइन कंप्रेस हो जा रही है इतनी सी, तो थोड़ी और बढ़ जा रही है, और बढ़ जा रही है, ऐसे हो रहा है बस, और कुछ नहीं। एंगल बिटवीन टू लाइंस लिख ले, उबासियां कौन ले रहा है इस तरीके से गंदे तरीके से, अभी डकार लेने आए हो आप यहाँ पे, थोड़ा खा के आया करो, एसिड बन रही है, बेच दो मार्केट में इस एसिड को।
क्या भाव बिक जाएगा? तुम किडनी क्यों नहीं बेच देते अपनी? वो सही तो एसिड बनती है ना, रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये दो लाइन लिख, आपने फोटो नहीं खींची? ओहो, तो आप तो डांट रही हो यार, ऐसे बोलो कि लास्ट की फोटो खींचनी है, ले आओ ऐसे। ये क्या तरीका है? ओहो, कोई नहीं, एटीट्यूड है, चलो खींच लो जल्दी। होता है कई बच्चों में, वो उसमें हम क्या कर सकते हैं, रखना भी चाहिए। वाई बराबर एम वन एक्स है और एम टू एक्स है, यानी कि दो रेखाएं हैं। जैसे कोई भी दो रेखाएं मान लेते हैं कि थीटा वन कोण बना रही है इससे, और ये थीटा टू कोण बना रही है। तो आपको ये वाला एंगल चाहिए अल्फा, आपको अल्फा चाहिए। अल्फा बराबर क्या होगा? थीटा टू माइनस थीटा वन। अगर आप टेन ले लेते हैं तो टेन अल्फा बराबर टेन थीटा टू, यानी कि एम टू हो जाएगी माइनस एम वन बटे वन प्लस एम वन एम टू। तो ये दो रेखाओं के बीच का कोण होता है। इस पे कैसे सवाल आता है? ठीक है, आपको लिखना एक छोटा सा सवाल। फाइंड द एक्यूट एंगल। देखिए, या तो सवाल में बोल देगा, नहीं भी बोलेगा तो कॉमन सेंस से समझना है कि एक्यूट एंगल ही निकालना है। फाइंड द एक्यूट एंगल, और वही ऑप्शन में मिलेगा भी। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो एंड ए प्लस बी एक्स बराबर ए माइनस बी वाई। बस ए नॉट इक्वल्स टू बी, ये भी दिया हुआ है। इन दोनों रेखाओं के बीच एंगल पूछ रहा है आपसे। नहीं आ पा रहा उत्तर। सब जीरो आ गए? ऐसे मत करो यार, जीरो वीरो नहीं आ रहे हुए। मैं एंगल पूछ रहा हूँ, वो भाई साहब बता रहे हैं माइनस वन। कैसे नापा आपने? काफी करीब से नापते हैं, माइनस वन भी नाप दिया। हम तो माइनस वन को जीरो ही मान लेते अगर आपकी जगह होते तो। ऑप्शन ही लिख लो फिर तुम, ऐसा अच्छा रहेगा। तीस साठ पैंतालीस पंद्रह, तो फिर बिल्कुल ही गए गुजरे हैं। अभी बोला था सवाल बोलते वक्त, ये भी लिखवाया ऊपर की एक्यूट एंगल बताना है, तो अब 135 बता रहे हैं, मींस की तैयारी कर रहे हैं। 135 एक्यूट एंगल होता है कह रहे हैं, हमारे मोहल्ले में तो होता है। रखो फिर, हाँ भाई तुमने कर लिया 45। देख, कई बार ऐसा सवाल आता है और आप देख रहे हैं कि मैंने बोला भी जैसे कि ऑप्शन 30 45 और इस तरीके के, तो अब इसने ये बोल दिया था चलो ए और बी को बराबर मत मानो, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ऐसा तो कर सकता हूँ कि ए को दो और बी को एक मान सकता हूँ, बताओ, जब सवाल का उत्तर ए बी पे डिपेंड ही नहीं है। तो ये वाली लाइन कितनी हो गई? एक्स बराबर दो में से एक गया, कितना होगा एक। वाई बराबर कितना आ जाएगा? ये तीन एक्स, ये आ गया। और यहाँ पे हमने रखा तो ये कितना आ गया? टू एक्स प्लस वाई प्लस सी बराबर। तो मुझे दोनों स्लोप पता चल गई। टेन थीटा कितना होगा आप जानते हैं, एक बटा तीन, इसका एक बटा तीन है, और वो कितना आएगा माइनस का, ये तीन होगा। ठीक है, तो बस कोई बात नहीं, तीन और वो माइनस का टू, तो प्लस का टू हो जाएगा, और वन माइनस तीन गुणा माइनस का टू, नीचे प्लस वन प्लस ये। ठीक है, तो ये कितना आ गया? ये वन आ गया। वन का मतलब थीटा कितना है? पैंतालीस। आप माइनस वन आपका आ कैसे गया था, जबकि फॉर्मूले में तो मॉड लगा हुआ है, तो भी माइनस में आ गया। मॉड की भी कोई चिंता नहीं है, ये तो वही वाली बात हो गई कि रावण सीता को जो है लक्ष्मण रेखा के अंदर से भी उठा ले गया। तो भैया आप खुद का इंटरेस्ट है तभी कोई ले जा सकता है ऐसे तो। अब आप किसी को हनीमून पे नहीं घुमाने ले जाओगे, वर्ल्ड टूर पे नहीं, नहीं शादी हुई है तो आदमी क्या करेगा बताइए। ऐसे दिल पे ना ले इस बात को, जस्ट ए जोक, नॉट सीरियस। ठीक है, कई बच्चे ऐसी बातों को ही सीरियस लेते हैं, आते इसलिए कि बताइए माँ सीता के बारे में ऐसे कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, माँ सीता की भी थोड़ी गलती थी,
हम तो ये सुनते थे पहले कि भगवान मिलने के बाद आदमी की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, कुछ पाने को नहीं रह जाता। बताइए, माँ सीता के पास तो भगवान राम थे, फिर भी उनकी हिरण की इच्छा कर रही थी, बताइए। नहीं तो ऐसे कैसे कर सकते, या तो वो भगवान नहीं थे, दोनों में से एक चीज है, या दूसरी वाली बात झूठी है। इस सवाल का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, बीटा माइनस अल्फा, समथिंग समथिंग, बस ऐसे ऑप्शन है। कितनी गहरी नॉलेज है आपको गणित की ना, भगवान आपको बहुत आगे ले जाए और ऐसे मोड पे छोड़ देना। देखिए इसकी स्लोप क्या होगी दोस्त, एम वन बराबर माइनस टेन अल्फा, इसकी एम टू बराबर माइनस टेन बीटा, यही होगी भाई। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, अब ये टेन बीटा माइनस का प्लस का टेन अल्फा बटे वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। तो देखिए आप पता है ये बन जाएगा फॉर्मूला कि ये टेन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन गया, समझना। तो आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बाहर आपने अल्फा माइनस बीटा लिख दिया, आपको देखना पड़ेगा कि यार अल्फा छोटा है बीटा से, छोटा है तो जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो कैसे लिखूंगा, टेन बीटा माइनस अल्फा, क्योंकि बाहर दोनों चीजें आ सकती हैं, अल्फा माइनस बीटा भी और बीटा माइनस अल्फा भी। तो ये सवाल सिर्फ इसलिए दिया गया कि आप ये गलती ना करें, अल्फा अगर छोटा है तो अल्फा माइनस बीटा उत्तर नहीं हो सकता, क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा है, एंगल के अन्य पर भी नेगेटिव एंगल कैसे हो सकता है, ठीक है। ये भाई साहब जेब में बड़ा सा फोन रख के बैठे हैं जी, ये क्या है, फेवलेट है टेबलेट क्या है ये फोन इतना बड़ा, तो आपको तो इसको रस्सी वगैरह से कंट्रोल करना पड़ता होगा बाहर जाते हो तो, मुश्किल है मुझे लगता है। मैं सोच रहा था आज की क्रिकेट की जो बॉल में वो तो ऐसा धागा बांधना है जैसे जो टीवी मूवी वगैरह में नहीं होता, आदमी कूदता है तो वो धागा दिखता नहीं, कैमरे में नहीं आता, तो मैंने कहा ऐसा धागा बांध दो विराट कोहली जेब में रख के जैसी बॉल चौके को जा रही है थोड़ा थोड़ा खींच दे पीछे की तरफ, एक भी चौका नहीं लग पाएगा। लेकिन बता रहे हैं कि ये ऐसा नहीं कर सकते क्रिकेट में। अगला सवाल, अब थोड़ा जल्दी जल्दी से कुछ बैक टू बैक सवाल करेंगे, फिर कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। हमारा दिमाग ऐसे धागे वागे में जाते थे, बचपन में हमने बहुत धागे बांध के चूहिया और मेढक पकड़े हैं बहुत, बल्कि दोनों को पकड़ के ऐसे पास पास घुमाते थे, पहचान भी नहीं पाते थे रिश्तेदार हैं एक दूसरे के। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू समथिंग एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट वाई ऑन द वाई एक्सिस। वाओ, ये सवाल प्री के पेपर में आया 2016-17 में, क्या उत्तर आ गया भाई साहब आप बताओ। ये लड़का इतनी आगे जाएगा जिसकी सीमा नहीं है बेटा आपके आगे जाने की। ऊपर ऊपर जाओगे, ऊपर भी जाओगे तो घूम के वापस आ जाओगे, हम नहीं उड़ते फ्लैटों में ऐसे बैठते पैर फैला के जैसे हमसे बड़ा नेता कोई नहीं है। कैसी बातें करते यार आप, छोटे उड़ोगे अभी हवाई जहाज में भी उड़ोगे, लंदन मैच देखने जाओगे। वाई बराबर 3x-2 है, तो आप बताओ जो लाइन परपेंडिकुलर होगी उसकी स्लोप ये होगी, होगी, और इंटरसेप्ट हमें दिया हुआ है, हमें पता है वाई बराबर mx प्लस सी में जो सी होता है वो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है, तो बस वो इंटरसेप्ट 4 लिख दिया हमने, तो ये इधर आ जाएगा 3x और प्लस नहीं x आएगा खाली 3y बराबर 12, ये उत्तर है। एक लाइन का सवाल था, आप क्यों नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे जी आप, कुछ दिमाग विमाग नहीं है क्या, बिल्कुल रत्ती भर है कि नहीं, ये बताई नहीं मैंने बात की y बराबर mx प्लस c में m स्लोप है और c क्या है y एक्सिस पे इंटरसेप्ट, ऐसे काट के भी दिखाया था, याद करो दिखाया था नहीं, तो वो c दे रखा है इसने और m हमने निकाल दी कैसे, क्योंकि इसकी m अगर 3 है तो दूसरी वाली लाइन की कितनी होगी, -1/3, बताओ अजीब आदमी हो। जल्दी से आप ये 25 सवाल करो बैक टू बैक, ऐसे सवाल पेपर में आएंगे जैसे कि ये सवाल है, अभी तक ये सवाल बचे हुए हैं पेपर में नहीं आए हैं। ये कह रहा है कि उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो 2x+3y+11 के समांतर है और उसके जो इंटरसेप्ट पे जो सम है इंटरसेप्ट का वो 15 है। भाई देखना क्या आ रहा है सवाल, भाई आज से हम नहीं बोलेंगे किसी कुछ। देखिए ये लाइन 2x+3y बराबर
सिक्स के मान लिया मैंने, क्योंकि पैरेलल लाइन है। ये मैंने सिक्स क्यों मान लिया था कि मैं ये देख सकूं कि एक्स बटे तीन के है और प्लस वाई बटे टू के है और बराबर एक। तो इन दोनों का सम दे रखा है कितना, 15। तो के कितना है, 3। ये इक्वेशन आ गई एक लाइन में, 2x प्लस 3y बराबर 18। अगर वो k मानते ना तो फिर वो k बाई 2 और k बाई 3 वो चीज थोड़ी परेशान करती। आप बात की गहराई समझ रहे हैं, कैलकुलेशन भी आपको ठीक तरीके से आनी चाहिए। आपने कर लिया सवाल, हमने क्या किया, इसके पैरेलल जितनी भी लाइनें होंगी उसमें 2x और 3y सेम होगा, ठीक है, और बराबर 6 के होगा। तो फिर हमने क्या करा, x बटे 3 के लिख दिया प्लस y बटे 2 के लिख दिया बराबर 1। तो 3 के प्लस 2 के कितना हो गया, 5 के 15 दिया हुआ है सवाल में, 15 दिया हुआ है। तो के कितना आ गया, 3। तो इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y। हाँ, दरभंगा वाले भाई साहब मुझे बताओ आपको क्या डाउट है, 6 के कैसे लिया। मैंने ऐसी संख्या ले ली जो 2 और 3 दोनों से कट रही है, ताकि x बटे 3 के नॉर्मली आ गया, y बटे 2 के बराबर 1 आ गया। तो 3 के और 2 के मिला के 5 के बराबर 15। तो के कितना आ गया, 3। समझ गए, आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा यार हमें, बताओ। आप ही लोग ऐसे करोगे यार, ऐसे कि गुस्सा होके निकल के टाइप्स, इट्स रियली हर्ट। ये सवाल देखना, हमने अपनी जिंदगी में आज तक क्या उत्तर आ रहे हैं सवाल का, वो इक्वेशन बतानी है जो परपेंडिकुलर है 4x प्लस 7y प्लस 9 बराबर 0 के, और ट्रायंगल फॉर्म कर रही है एक्सिस 3.5 एरिया है। तो देखें, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू इतने एंड सच दैट द ट्रायंगल फॉर्म्ड एक्सिस हैविंग एरिया इतना, नहीं निकाल पाए कोई बात नहीं। परपेंडिकुलर की बात क्या है, देखिए परपेंडिकुलर का मतलब मैं मान सकता हूं कि 7x माइनस 4y बराबर 28 के। आप भी वही ऐसे मानने लग गए हैं। तो x बटे कितना आ गया, ये 4 के। अब देखो इसको ना ऐसे ही रहने दो, क्योंकि एरिया तो पॉजिटिव होता है। तो y बटे कितना आ गया, 7 के, माइनस लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब हम जानते हैं कि एरिया जो होगा वो होगा हाफ इंटू 4 के इंटू 7 के बराबर 3.5। 3.5 और 2 मिलके 7 को काट देंगे, के कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1/2। यानी ऐसी दो रेखाएं संभव हैं, के कितना आ गया, प्लस माइनस 2, यानी कि ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 14। तो दोनों ही रेखाओं से जो एरिया आएगा वो 3.5 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर होगा 7x माइनस 4y बराबर प्लस माइनस 14। तो ये भी आपको ध्यान देना था, ऐसी दो रेखाएं बन सकती हैं भाई। आपका एक ही आ रहा था प्लस 14, नहीं, दोनों रेखाएं, देखिए दो रेखाएं ऐसी संभव हैं। आप खुद ही देख लीजिए ना, जैसे मान लेते हैं कि ये जो रेखा है आपके सामने, मान लेते हैं कि ये है, समझना। अब आपको बताएगी इसके परपेंडिकुलर एक ये रेखा भी इधर से आ सकती है और एक ये रेखा भी इधर से आ सकती है। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर हो सकता है, इसके परपेंडिकुलर ये दो लाइनें हो सकते हैं। समझ गए दोस्त, बहुत नॉलेज है यार, हर किसी में थोड़ी ऐसे नॉलेज होती है। चलिए थोड़ा सा और आगे की बात करते हैं, इतना आप समझ गए, छोटी छोटी सी चीज है। जैसे एक ट्रायंगल है ABC, प्रूफ नहीं बता रहा हूं, इन सब चीजों का जरूरत नहीं है, बस याद रखना है x1 x2 x2 y2 x3 y3। कोई पूछ रहा है कि यार इस ट्रायंगल का एरिया बताओ क्या होगा, तो कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है डेल 1/2, सबको पता है, मुझे ही पता है। 1/2 बोल के लोग दिखाए थे कि हमें आता है, देखिए इसको भी अब ओपन करने के तरीके हैं। हाफ x1 लिख लिया, इन दोनों का गुणा y2 माइनस y3 माइनस y1 कितना होगा, x2 माइनस x3 प्लस 1 कितना होगा, x2 y3 माइनस y2 x3, ये हो जाएगा, ठीक है।
लेकिन इसको ना याद रखना दोनों ही चीज़ों को, जैसे बहुत से बच्चों को तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना ही नहीं आता, बहुत सौ को फिर ये याद रखना मुश्किल होता है, तो इसको अगर और सिंपल करना चाहें तो ये ऐसे कर सकते हैं, हाफ साइक्लिक लगेगा, जैसे एक्स वन आ गया तो एक्स वन के अलावा टू थ्री बच गया, तो वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू कॉमन आ गया, अब थ्री और वन बच गया तो थ्री में से वन कटेगा साइक्लिक है, वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री आ गया तो वाई वन माइनस वाई टू, तो ये डेल आ गया। अच्छा, अब अगर कोई कहता है हमें कि यार ये तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर हैं, तब हम ये कह सकते हैं अगर तीन पॉइंट कोलिनियर हो गए और यही कंडीशन पूछ ली तब तो आपको यही आनी चाहिए, लेकिन ये और जगह से भी आ सकती है, और जगह से भी आ सकती है। ये आगे बढ़े हैं थोड़ा सा, ये लिख लिया भाई, ये याद रखना है, लिखना क्या है, प्लस कर दें, इफ थ्री पॉइंट्स एक्स वन कॉमा वाई वन, एक्स टू कॉमा वाई टू, एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री आर कोलिनियर, अगर ये कोलिनियर हैं तब हम बोलते हैं कि यार एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू बराबर जीरो, तब हम ये कहते हैं। जैसे कोलिनियर पे एक छोटा सा सवाल लिख लीजिए, बड़े आगे जिसको मिटा दें, ये आपको पता है कि एरिया जीरो कर देते हैं त्रिभुज का। जैसे सवाल लिख दिया पी कॉमा क्यू एम कॉमा एन, पी माइनस एम क्यू माइनस एन, हाँ बहुत आसान है। जैसे आप देखेंगे इस चीज को, ये पॉइंट पी कॉमा क्यू है, ये पॉइंट एम कॉमा एन है, ये पॉइंट पी माइनस एम कॉमा क्यू माइनस एन है, ये कोलिनियर हैं सारे के सारे। तो कोलिनियर का मतलब क्या है, हाँ पी कॉमा क्यू है, एम कॉमा एन है, पी माइनस एम क्यू, तो ये एक लाइन में है, अगर एक सीधी रेखा में है तो इन सब की स्लोप बराबर होगी, तो स्लोप निकाल देते हैं इस लाइन की, इस पॉइंट से निकाल देते हैं, इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकालेंगे तो क्या होगी भाई, क्यू में से क्यू घटेगा एन प्लस का आ जाएगा बटे नीचे एम आ जाएगा, और इधर क्यू माइनस एन बटे पी माइनस एम, मल्टीप्लाई कर दिया एन पी माइनस एम एन बराबर एम क्यू माइनस एम एन, तो एम एन से एम एन कट गया, एन पी बराबर कितना आ गया एम क्यू, यही उत्तर है। कुछ मिक्स सवाल करते हैं थोड़े से, ठीक है, ये भाई साहब किक स्टार्ट, किक नहीं मिली अभी तक जीवन में आपको, वो कहते हैं सबको कि किक नहीं मिल रही, वो लोग कहते रहते हैं, आपको सुनने में आया नहीं, जिनके घर में कभी बचपन में स्कूटर वगैरह नहीं रहा, किक नहीं मिली। आप भी ऐसे ही देखे कि आपके पापा कहीं बाहर जाते थे स्कूटर लेके, तो आप कहते पापा मैं स्टार्ट करूंगा, और आपके पापा एक्सीलेटर देते थे, आप दोनों पैरों से भी किक नीचे नहीं कर पाते थे, ऐसे कभी नहीं हुआ आपके साथ। भाई कुछ नहीं, मैंने इन दोनों पॉइंटों से स्लोप निकाल दी इसकी, तो स्लोप कैसे होती है, वाई टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन, और फिर इन दोनों पॉइंटों से स्लोप निकाल दी, ये उत्तर आ गया, ठीक है। अगर ऐसे छोटे सवालों को भी पूछने की जरूरत पड़ रही है तो पहले प्री के बैच में आए, ठीक है। प्रोजेक्शन यानी कि द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्स कॉमा वाई ऑन द एक्स एक्सिस क्या होगा, बहुत आसान सा सवाल पूछा है, बस ये वर्ड आपको बताना था कि अभी तक रिफ्लेक्शन सुना है, कल को प्रोजेक्शन आ जाए फिर घर आके कहो इसका मतलब नहीं पता था, कर तो मैं देता ही, ठीक है। रिफ्लेक्शन के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि रिफ्लेक्शन समझ में नहीं आया था, और मुझे जो समझ में आ रहा है अभी वही आ रहा है कि आज भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी तो आप आगे ही नहीं बढ़ रहे यार, बार बार कह रहे हो सवाल बताओ सवाल बताओ, केस काला वाले भाई साहब बताएंगे।
हाँ रिपीट कर दिया था बहुत अच्छे से। देखिए तो बड़ा आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं कि फोटो ऑफ द परपेंडिकुलर पूछ रहे हैं तो कि बहुत मुश्किल सवाल हमने पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। एक्स और वाई, पिछली बार के मेंस में आपको पता होगा कि एक सिंगल सवाल आया ही नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, पता है ना? तो इस बार आने की बहुत बहुत चांस है, क्योंकि इस बार प्री में भी नहीं आया। पिछली बार तो प्री में आया था तो फिर मेंस में नहीं आया, इस बार प्री में भी नहीं आया, इसलिए मेंस में काफ़ी चांस है कि, और हो सकता है चार सवाल एक साथ आ जाए, पाँच आएंगे आपको लग रहा है, हो सकता है सही लग रहा हो। तो ये पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, अब इसका प्रोजेक्शन पूछ रहा है ऑन एक्स एक्सिस कि यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डाल दूँ तो इसका फुट क्या होगा एक्स एक्सिस पे। तो कितना सिंपल है, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जीरो, एक्स कॉमा जीरो है ऑप्शन में, ये उत्तर आ गया। ये भी मुश्किल लग रहा था, अगर यही प्रोजेक्शन में वाई एक्सिस पे पूछ लेता लाला तो जीरो कॉमा वाई हो जाता, तो ऐसे पता होना चाहिए प्रोजेक्शन। चलिए तो आसान सवाल हो गया, अगर मैं इसी में थोड़ा सा मुश्किल सा पूछूं, लिखेंगे एक सवाल, मिटा दें इसको, समझ गए ना इस बात को, प्रोजेक्शन का मतलब। अब मैंने पूछ लिया आपसे फाइंड द प्रोजेक्शन, फाइंड द प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, एक पॉइंट से किसी रेखा पे लंब खींचा गया है तो उस लंब के कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं कि जहां पे वो टकराता है, फुट पूछ रहा है, फुट के कोऑर्डिनेट। तो फाइंड द प्रोजेक्शन क्या होगा ऑफ ए पॉइंट 4.6 ऑनलाइन, ऑनलाइन मतलब वो नहीं एजुकेशन वाला ऑनलाइन नहीं, ऑन ऑफ ए स्पेस लगा के लाइन, ऑनलाइन एजुकेशन तो कुछ दिन में अभिशाप बनने वाला है। 3x + 4y = 11, 3x + 4y = 11। आपको तो यार हर सवाल का उत्तर याद है यार, आप बहुत तगड़े आदमी हो पता है, यू आर द वेरी टफनेस मैन। अरे राम, आप बताइए भाई साहब, आपका चश्मा बड़ा सुंदर है। हाँ जी, आपसे नहीं यार, आपसे कोई सवाल ना हो ऐसा हो सकता है, हम आपको पता है कितना बुद्धिमान मान के चलते हैं। आप में से नहीं हुआ किसी से, आप पागल हैं क्या बहुत दिनों से या अभी हुए हैं? 753। ओ आपका में से बाई में क्यों आता है उत्तर है? देखो भाई, अरे यार इतनी आसान सी बात है, पता नहीं कैसे आदमी हो आप, भगवान ना करे ऐसे आदमी और जन्म लें इस पृथ्वी पे, ऊपर ही रह के हिसाब किताब देखें। ये जो लाइन होगी, ये पॉइंट पूछ रहा है, ये पॉइंट पूछ रहा है, ये तो पता लग गया ना पूछ क्या रहा है। अच्छा, दिस पॉइंट विल बी द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइन, फर्स्ट इज ये एंड सेकेंड इज, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। अगर मैं ये लाइन की इक्वेशन बता दूं, इसके ऊपर लिख दूं, तो तुम खुद ही बोलोगे कि यार मजा आ जाएगा, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, फिर तो कुछ है ही नहीं। दो तरीके, कुछ बच्चे क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे एच कॉमा के मान लिया, फिर एच कॉमा के इसमें रख दिया, अरे क्यों रखना है, एक्स वाई निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, फिर इसकी स्लोप निकाल दी। तो मुझे पता है कि मैं डायरेक्ट इसकी इक्वेशन निकाल सकता हूँ, पता है कैसे, कि कोफिशिएंट उल्टे करूंगा 4x - 3y, और ये पुट करूंगा 4 × 16 और 6 × 18 - 2, डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये नहीं बताऊँ तो मैंने इक्वेशन लिख दी इसकी बस। अब आपको पता है कि अगर ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से गुणा करूं और नीचे वाली को 3 से और जोड़ दूं, तो 4 × 16 और 3 × 3 = 25x। आपको कैलकुलेशन सीखनी है, देखिए आप समझो इस बात को, 4 × 2 - 8 और 11 × 3 = 25, यानी x कितना आ गया 1। देखिए सिंपल है, x 1 आ गया। अगर x 1 है और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, तो y कितना आ गया 2, 1.2 उत्तर आ गया। आप पता नहीं कौन सी कैलकुलेशन करते हो, फिर आप कहोगे कि पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सच में, ये सच्चाई है कि पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा जिस तरीके से आप कैलकुलेशन कर रहे हो दोस्त। एक बार और बता देंगे यार, हमारा क्या है, काम ही है। आप लेकिन अभी से स्टार लगा करने वाली शर्ट क्यों पहन रहे हैं, फीलिंग ले रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया, लगे हुए किसी जॉब में? अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हो, ओके ओके ठीक है। मुखर्जी नगर में भाई 6 महीने में 6 स्टार लगा देते हैं लोग। आपको समझ आ रहा है आज आपकी सहेली नहीं आई, वो
क्यों, क्या हुआ? बच्चा रो रहा था? एसएससी की तैयारी में सोचिए यहाँ तक हालत पहुंच जाते हैं। हमारे भाई साहब को ही देख लो, बच्चे याद करते हैं कि नहीं। अच्छा, बच्चे आपके कैसे ट्रीट करते हैं आपको, जैसे आप भी पढ़ रहे हो घर जाके? कभी पढ़ते हो आप? कभी नहीं, मतलब किताब नहीं खोलते तो बच्चे आ जाएंगे, पापा क्या कर रहे हो, ऐसे पूछते हैं ऐसे? जैसे घर में दादी वगैरह रामायण पढ़ते तो बच्चे पूछते हो, दादी इतनी मोटी किताब पढ़ रही है, घर जाके आप किताब नहीं पढ़ते? या पढ़ाई लिखाई की बात भी नहीं करते? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बाप बेटे अगर सेम काम करते हैं ना तो बिल्कुल भी इज्जत नहीं रह जाती। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप कोई भी देख लो, अगर कोई लड़का अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा है तो उसको कोई भाव नहीं मिलते, सेम काम कर रहे हैं, कुछ अलग हटके करना पड़ता है। अगर आपको क्या है कि थोड़ी अलग रेपो बनानी है घर में, तो कुछ अलग हटके जो आपके पापा ने नहीं किया, बेसिकली आपके आपको अपने बाप को क्रॉस करना है मतलब। और हर बच्चे की तमन्ना होती है, और बाप भी एक ऐसा इंसान है कि जो सिर्फ अपने बेटे से हारना पसंद करता है, तो चलो ठीक है इससे हार जाओ कोई नहीं, तब भी अपना फायदा ही है कि नहीं? तो इस चीज को आप मेंटेन रखना थोड़ा, ठीक है? उनके सामने मत पढ़ना, पता चला रिजल्ट आया बच्चा भी फ्री की तैयारी कर रहा है, आप भी, मम्मी पापा का फ्री नहीं हुआ मेरा हो गया तो थोड़ा और सा लगेगा। मम्मी भी कह रही टांगे तोड़ दूंगी पापा से ऐसे बोला तो, तुझे पता पापा मेरी वजह से कितना टेंशन में रहते हैं। देखो भी दोबारा से आप पूछ रहे थे इस सवाल को, मैंने बोला कि जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हमसे पूछ रहा है ये इस लाइन का, क्या बदमाशी हो रही है यार। हमने कहा कि ये इस लाइन का और ये इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, तो हमने कहा ये लाइन निकाल देते हैं। आपने कहा ये लाइन कैसे निकालोगे? हमने कहा परपेंडिकुलर लाइन है, 4.6 से गुजर रही है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर जो भी लाइन होगी उसके कोफिशिएंट उल्टे और बीच में माइनस होगा, और एक्स और वाई की जगह 4-4 रखा तो -2 आ गया, यानी इस लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने कहा इसको 4 से गुणा करते हैं, इसको 3 से और जोड़ देते हैं, तो 12y कट जाएगा, नहीं इसको 4 से की 16x, इसको 3 से की 9x, 25x आ गया, इसको 4 से की -8, इसको 3 से की 33, में से 8 गए 25, एक्स 1 आ गया, 1 यहाँ रखा, वाई 2 आ गया। बताइए इसी सवाल के अंदर आप हेडिंग लगाओ इमेज ऑफ ए पॉइंट। इमेज क्या सीखना है आपने? इमेज इमेज क्या होती है बेसिकली, जैसे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, अगर मैं इस पॉइंट की इमेज निकालूं तो इमेज क्या होगी, यहाँ पे आ जाएगी। यानी कि आपको क्या मानना है, इसको तो आपको एक जलीय सतह मानना है, झील, झील, और इस पॉइंट की इमेज का मतलब इतनी ही दूरी, यानी कि ये दूरी इक्वल होगी यहाँ पे। आप इसी के अंदर लिखेंगे इमेज, आप एक हेडिंग बनाएंगे इमेज ऑफ ए पॉइंट, और फिर लिखेंगे कि सबसे पहले हमने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल दिया, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होगा, 1.2। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इमेज के केस में आप लिखेंगे इमेज, इमेज विल बी द इमेज ऑफ ए पॉइंट। अभी तक जो इमेज आई है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या नॉर्मल रेखाओं में आई है, समझ रहे हैं? अब जो हमें इमेज सीखनी है वो कैसे सीखनी है, लाइन के अंदर कोई ऐसी लाइन दे दे, तो इमेज ऑफ ए पॉइंट विल बी, इमेज ऑफ ए पॉइंट ऐसे नहीं आएगा, ऐसा आएगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर विल बी, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर विल बी मिड पॉइंट ऑफ गिवन पॉइंट एंड इमेज ऑफ दैट पॉइंट, एंड इमेज ऑफ दैट पॉइंट। इसका मतलब है कि जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा वो इमेज और उस दिए हुए बिंदु का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो आप समझ गए, जैसे कि ये बिंदु 4.6 है और आपने क्या निकाल लिया, 1.2 इसका मिड पॉइंट निकाल लिया, और ये इमेज पूछ रहा है। तो मैंने बताया था ना आपको कि हम क्या करते हैं, इसको डबल कर लेते हैं, नहीं 2 और 4 कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है ना कि ये इन दोनों का हाफ होता है, इन दोनों का हाफ होता है ये, तो मैंने डबल कर लिया। अब ये 2 आ रहा है और ये 4 है, तो मैं यहाँ पे कितना लूँ, -2, तभी तो 2 आएगा सम। नहीं तो आप x1 + x2/2 कर लो यार, मेरी तरफ देखते हो ऐसे जैसे मैंने क्या गुना कर दिया। हमें पता है कि ये जो बीच में पॉइंट आता है ये आता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं इन दोनों को 2 से गुणा कर लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, x1 + x2 y1 + y2, तो ये x1 4 है तो वो -2 नहीं आ जाएगा, तभी तो सम 2 आ पाएगा।
अब ये 6 और ये 4 है तो भी ये कितना आ जाएगा, -2। तो इमेज इस बिंदु की क्या होगी, -2, -2। और ऐसा कठिन सा सवाल प्रैक्टिस करना चाहते हो या खुद कर लोगे? एक और पूछूं ऐसा इमेज पे सवाल पूछना हो, ये मिटा दें दोस्त, देखते हैं कि, यही देखने के लिए सवाल पूछ रहा हूं कि कौन सबसे जल्दी कैलकुलेशन करता है। हु इज द गाय, देखते हैं कि हु इज द गाय, कौन गाय है जो सबसे जल्दी कैलकुलेशन करता है इस सवाल की। जिया आप करोगे? यार आपका नाम कितना अच्छा है, जिया मैंने रखा है। कैलकुलेशन परेशान कर रही है भाई बहुत। हाँ जी, नहीं कोई बात नहीं, देखिए कैलकुलेशन आप भी जानते हैं कि आपका लेवल नहीं है वो जो बाकी में होना चाहिए। अब नहीं है तो बार बार जलील करना भी सही नहीं है। ये 1.2 पॉइंट है, ठीक है, और ये 3x + 4y = 1। अगर हम इसकी लाइन निकाल लें दूसरी, 4x - 3y = 1, तो आप देख रहे हैं कि 4 और 3 2 6 -2 आ गया, 2 आ गया भाई। तो अब ये x, y में निकाल देता हूँ यार, मुझे काम ही क्या है, यही काम है मेरा। तो मैं अगर इसको 3 से गुणा करूँ और इसको 4 से, तो 3 से इसको करूँ और 4 से इसको, तो 4 2 8 और 3 -5 आ गया। -5 आ रहा भाई? नहीं, तो 5/20 गलत है, मैंने इसको 3 से गुणा किया तो ये 3, और इसको मैंने 4 से किया तो ये 8 माइनस का, तो ये -5 तो उधर आ रहा है, और 3 से इसको करूँगा, 3 3 9 और 4 4 16, 9 और 16 25, तो -1/5, एक्स का मान आ रहा है -1/5, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या निकालना है, वाई भी निकालना है, तो मैं ऐसा करता हूँ इसको 4 से गुणा करता हूँ और अब इसको 3 से, नहीं नहीं पुट नहीं कर रहे, पगले हो गया, चलो पुट कर लो तुम कह रहे हो तो। 3/5 उधर जाएगा, कितना होगा भाई, 8/5, 2/5 आ गया, 2/5 आ गया, 2/5 आ गया, यही आ रहा 2/5। अब आपको पता है कि इसको जब हम डबल कर देंगे तो इन दोनों का सम आना चाहिए, यानी कि ये -2/5 आना चाहिए और ये 4/5। तो जब ये सम है इन दोनों का, तो आप ऐसा करो 2/5 में से 1 घटाई दो, तो ये आ गया -7/5, और इसमें से 2 घटाओगे, 5 2 9 10, -6/5, यही इमेज है, यही उत्तर आ रहा है। आ रहा था आप में से किसी का? वेरी गुड यार, आप तो बहुत सही निकल गए, मतलब देखिए कैलकुलेशन का पार्ट है और कैलकुलेशन आनी चाहिए, और जब आप ऐसी कैलकुलेशन करोगे इरिटेशन निकलेगी तो मजा आता है। हमें नहीं लगता किसी कैलकुलेशन से डर, कर देंगे बड़ी से बड़ी, आप करोड़ रुपए का टैक्स निकलवा लो, 18% GST, 33% इनकम टैक्स, मौके क्या आते हमें ओरली। हाँ कहाँ पे गया था -1? अरे मैंने बोला -2/5 जो आया है ये 1, और जो नीचे वाला पॉइंट है उसका सम है, तो खत्म बात है कि 6 बार बताऊंगे मिड पॉइंट वाली बात। मेंस की तैयारी कर रहे हो प्री की? भैया प्री के बैच में आओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूं आप चलाओ, 7 8 दिन चलेगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 12 दिन बल्कि। आप मेंस की तैयारी करो, लेवल आपका सुधर नहीं रहा, फिर आप इल्जाम हमें दे रहे हो। कुछ रिफ्लेक्शन वाले जो सवाल प्री में आए थे, एक दो वैसे सवाल भी देख लो ना चाहते हुए। वैसे रिफ्लेक्शन वाले जो सवाल है ना, ये ऑप्शन से हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऑप्शन से नहीं हो सकते, ये सब सवाल ऑप्शन से हो सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे। आप ये वाला सवाल देखो, माइनस, ओहो हाय राम जी लल्ला, तो कमाल कर रहा हूँ। एक लाइन है x = -4, पहले मैं जो लोग कम जानते हैं उनको थोड़ा ठीक से समझा दूं इस बात को, ये वाई एक्सिस है, ये x एक्सिस। अब जो लाइन x = -4 आएगी वो कहाँ आएगी,
वो लाइन यहाँ आएगी, एक्स नेगेटिव है ना, तो ये यहाँ पे आएगा, ये 4 दूरी, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है, -1,3 का रिफ्लेक्शन पूछा है। अच्छा -1,3 क्या आएगा, ये तो 4 है, तो -1 यहाँ बैठेगा। तो देखिए अगर एक्स लाइन में इमेज पूछी है तो ये तय है कि वाई कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा 3, ये तय है, बोलो है या नहीं। तो ये तो 3 ही रहेगा भाई इधर वाला पॉइंट। तो अब आपको दूसरा पॉइंट पता करना है, तो आप देखेंगे कि ये पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे है, जिसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक 1 थी और पूरी 4 थी, 4 थी, तो बची हुई कितनी होगी, 3। तो इधर भी कितनी होगी बची हुई, 3, तभी बनेगा। जितनी दूरी इसकी इस रेखा से इधर है, अगर इमेज बना रहे हो प्रतिबिंब, तो इतनी इधर होनी चाहिए, ठीक है, 3 और 3 यही होगा कि नहीं। तो टोटल दूरी यहां से यहां तक कितनी हो गई इसके, 7, तो -7। अब देखिए मैं एक चीज आपको बता रहा था कि ऐसे सवालों में क्या होता है कि जो ऑप्शन मिलते हैं, तो 2 सवालों में तो 3 होगा और 2 में 3 नहीं होगा, 2 में -3 होगा या कुछ, तो पहले तो हम वो 2 ऑप्शन हटा देंगे। फिर यहां पे 1 में प्लस होगा और 1 में माइनस होगा, ऐसे होते हैं। अब हमें पता है -1,3 की इमेज है, वो भी माइनस में पूछ रहा है, तो माइनस वाला उत्तर होगा। तो बहुत बार हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम जैसे चित्र बनाएंगे समझ जाएंगे माइनस में प्लस में। अगर ये -1,3 की जगह -5,3 होता तो फिर ये प्लस में इधर आ जाता, क्योंकि फिर रेखा अगर उधर है तो इमेज इधर बनेगी। तो ये आपको चित्र बनाने के बाद समझ में आ जाएगा बाबू जी। -5,3 होगा तो वो इधर होगा पॉइंट, और यहां से इतनी इमेज है, हाँ, तो मतलब इसमें तो नहीं बनेगा, इसमें तो नेगेटिव आएगी, लेकिन अगर और ज्यादा ले ले, हाँ तब बहुत ज्यादा ले ले, तब बात बन जाएगी ऐसे, तब दूरी ज्यादा हो जाएगी। -8,समथिंग ले ले, क्या होगा जी, आपको नींद आ रही है, ऐसे देखो सोगी कैसे काम चलेगा बताओ। फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया, अब तो तुम्हें भी सिलेक्शन कराना पड़ेगा कि नहीं। एक दो और सवाल कर लो इस पे। वर द रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट 5,-1 इन द लाइन y=2। अगर y=2 में है तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, फिक्स होगा। देखो इसकी इमेज कैसे बनेगी, रिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंट 5,-1 इन द लाइन y=2। लाइन y=2 कौन सी होगी, ये वाई एक्सिस है, एक्स ये होगी। अब पॉइंट है 5,-1, यहां पे होगा 5,-1, तो अब ये तो तय है कि 5 होगा ही होगा। अब ये -1 वाला देखना है, तो पॉजिटिव आएगा, ये भी तय हो गया। तो इसकी दूरी 5,-1 का मतलब पता है क्या है, कि ये दूरी 5 है और लाइन वाली दूरी कितनी थी, 2 2, y=2 है ना। अच्छा नीचे 1 है, वो मैंने देखा नहीं, नीचे 1 है, ठीक है। तो टोटल दूरी इसकी यहां से कितनी है, 3, तो ऊपर भी 3 पे ही बनेगा पॉइंट, तो 3 ये और 2 ये कितनी हो गई, 5, तो 5,5 सेम सेम आ गया। अच्छा एक्स एक्सिस में किसी पॉइंट की इमेज पूछे तो कुछ ये छोटी छोटी सी चीजें लिख लेते हैं, ठीक है, ये मिटा दो पक्का। जैसे कोई भी पॉइंट है a,b, हमने ए बी दे दिया उसका नाम, भले ही वो नेगेटिव भी हो सकता है, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, ये एक्स एक्सिस ये वाई, तो इसकी इमेज अगर मैं एक्स एक्सिस में जानना चाहता हूं तो आप देखेंगे कि ये ए ही रहेगा, सिर्फ वाई बदलेगा। अगर इमेज एक्स एक्सिस में चाहिए तो सिर्फ वाई बदलेगा, इसकी इमेज एक्स एक्सिस में ये होगी। और इसकी इमेज अगर वाई एक्सिस में निकालने की बात करेगा, अगर वाई एक्सिस में निकालेगा तो हम बोलेंगे सिर्फ एक्स एक्सिस बदलेगा, बाकी सेम रहेगा। इसी पॉइंट की इमेज अगर कोई मेरे से ओरिजिन में पूछेगा तो दोनों बदलेंगे, एक्स एक्सिस वाले में वाई बदलेगा, वाई एक्सिस वाले में एक्स बदलेगा, और ओरिजिन में पूछेगा तो दोनों बदलेंगे, क्या होगा, -1,-b। जैसे हमसे किसी ने पूछा 2,-3 की इमेज, देखिए मैं डायरेक्ट एक्स एक्सिस में, सबसे पहले एक्स एक्सिस में पूछे तो मुझे पता है कि वाई बदलेगा, वाई उल्टा होगा,
बाकी एक्स तो सेम रहेगा तो 2.3 हो जाएगा। अच्छा अगर वाई एक्सिस में पूछी होती इसी की तो -2, -3, और अगर ओरिजिन में पूछी होती भाई तो -3, दोनों बदलेंगे तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस। तो ये पूरा एग्जाम्पल लिख लो, बहुत समझदार हो यार आप, पता है कोई हलवा तो हो नहीं आप, मेंस की तैयारी कर रहे हो, लेवल है आपका, क्या है आपका लेवल, लेकिन एटीट्यूड नहीं होना चाहिए इस तरीके से, ये गलत है। आप जीवन के किसी भी पड़ाव पे हो, ईगो नहीं होनी चाहिए, जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है, बहुत बार नुकसान उठाना पड़ता है आपको, झुक जाना चाहिए, और झुकते तो वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ता तो आदमी मरने के बाद है। देखो भैया को कितनी नॉलेज है ऐसी चीज़ों की, बाबा होंगे आपके जरूर, है कि नहीं, बस तो बाबा ही देते हैं ऐसा ज्ञान, हमारे नहीं थे लेकिन हमने दूसरों के बाबाओं से बहुत लिया, कंफर्टेबल भी रहते हैं, सही नहीं है, बात में कोई गलत नहीं बोलता, हर बात में दम होगा। जितना आपने अभी तक पढ़ा है, यहां तक मेरा पिछली क्लास का टारगेट था, आप सोचिए कि आप कितने आवर्स पीछे हैं, लगभग 1.5 घंटे पीछे हैं, 1.5 तो नहीं, 1.25 घंटे। कितना कॉमा, कमाल कर दिया भाई आपने, आई हैव नेवर सीन सच टाइप ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स इन माई क्लास। वाई बराबर एक्स लाइन है, रिफ्लेक्शन 2.3 पॉइंट का पूछा है, 2.3 कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई के पास 2.3, क्योंकि 3 ऊपर निकल गया ना थोड़ा सा, 2.2 तो नीचे होता। अब क्या पूछे इसमें, रिफ्लेक्शन तो निकाला आपने, कैसे, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दी पहले, अरे क्यों नहीं निकाली, इसमें क्या गलत था, आपने क्या निकाला, हैं यार रिफ्लेक्शन पूछ रहा है वाई बराबर एक्स में, कैसी बातें कर रहे हो आप, गलत कर रहे हो। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप इससे अच्छा तो कि इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने निकाली, अब ये आपको चाहिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इससे परपेंडिकुलर निकाल दूँ, परपेंडिकुलर, तो आपको पता है कि ये लाइन कितनी है, वाई बराबर एक्स, यही होगी। अब मैं अगर इस लाइन की बात करूँ, इस लाइन की, तो आपको पता है कि इसकी स्लोप उल्टी होगी, यानी कि वाई बराबर माइनस एक्स तो होगा, लेकिन सी भी होगा, तो अब सी कितना होगा, अगर मैं वाई को 3 रखूं और एक्स को 2, तो सी होना चाहिए 5। तो ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इसमें अगर हम वाई बराबर एक्स रख दें, एक्स तो एक्स कितना आ रहा है, 2.5, तो ये जो पॉइंट है ये 2.5-2.5 है, कितना है 2.5-2.5। अब इसका डबल करेंगे तो ये 5-5 होगा, तो ये 2 है तो ये कितना आ गया 3, और ये कितना आ गया 2। तो आप ये बात लिख लो कि जब हम y बराबर x में इमेज निकालते हैं तो a, b, b, a हो जाता है, ये आपको याद भी रहेगा, आपने एक एग्जांपल कर लिया और याद रख लो, जल्दी कर पाओगे और लोग निकालते रहेंगे, आप ऐसे लिख लो कि द रिफ्लेक्शन और इमेज ऑफ ए पॉइंट a, b इन लाइन y बराबर x बराबर b, a, उल्टा हो जाता है, वहां पे तो साइन उल्टा हो रहा था, यहाँ पे कोऑर्डिनेट उल्टे हो जाते हैं, उल्टा मतलब वोमिटा, उल्टी मतलब वोमिटिंग। हैं?
ओरिजिन से क्यों मतलब है? ओरिजिन में आपने यहाँ ले लिया, यहाँ पड़ेगा बताओ, ये इमेज हो गई इसकी। मैं रेखा में इमेज पूछ रहा हूँ, आप कहीं और निकाल रहे हो, सीसा इधर टंगा हुआ, फोटो आपकी उधर छप रही है। बताइए ओरिजिन से क्या मतलब है इस बात का? कैसी बातें कर रहे हो आप? नहीं होगी ओरिजिन से क्या मतलब है? ये यहाँ बैठ रही है इमेज, आपने बिठा दी थर्ड क्वाड्रेंट में, फोटो यहाँ बन रहा है, बताइए। आएंगे ऐसे सवाल अब इस बार पेपर में? कुछ एरर है इस सवाल में? द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोटो ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 0, 0। अच्छा ये तो आएगा नहीं, एक्स प्लस वाई बराबर लिखना पड़ेगा ना कुछ, एक सेकेंड। एक्स प्लस वाई बराबर 2 लिख लीजिए, एक्स प्लस वाई बराबर 2। अब नहीं करेगा, अब तमीज का आएगा। कितना आ रहा है? हाँ अगर पॉइंट वहां होता तो इस डायरेक्शन में कैसे ले लेते? वाई बराबर तो माइनस एक्स होती है इस डायरेक्शन में तो। अच्छा सेम होती है, तो मैं ज्यादा नॉलेज नहीं है तो हमेशा उजियार क्यों बनती हूँ इतनी? ये लाइन यो करिए, ऐसे क्यों लिया आपने? आप ऐसे ले लेते पिछले वाले सवाल में। अरे ये y बराबर माइनस एक्स होती है, वो y बराबर x, तुमने तो कोऑर्डिनेट ही बदल दी पूरी और मानती भी नहीं अपने आगे। तुम ना जामुन का जूस पिया करो, जूस, उससे क्या होगा? जैसे उससे क्या होता है कि नसों के जो ब्लड होता है एकदम इतना प्योरीफाई हो जाता है और माइंड को जो पहुंचता है फ्रेश ब्लड पहुंचता है। इंटेलिजेंस का कोई कनेक्शन नहीं है, मैंने कब का कनेक्शन है? एक बार भी कहा, मैं तो सजेशन दे रहा था, मैं तो कह रहा था, ऐसे बता रहा था आपकी कमजोरी को देखते हुए। देखो भाई दोबारा से, x प्लस वाई बराबर 2, कहाँ पे पड़ रही है लाइन? अरे फोटो ऑफ द, छोड़ो चित्र नहीं बनाते, इसका बना रहे हो क्या चित्र? ऑप्शन के हिसाब से ही कह रहा है यार, ये लड़का कितना धांसू है, भगवान है ऐसे लड़कों को। परपेंडिकुलर 0, 0 से पूछ रहा है, तो जो इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी वो होगी वाई माइनस एक्स, यानी कि वाई बराबर एक्स, क्योंकि 0, 0 से गुजारना है हमें उसको। तो वाई बराबर एक्स अगर हम रख दें जहाँ पे कट करेगी तो वो होगा 1, ये तो बहुत सरल हो गया। क्यों नहीं हो रहा था ये बताओ? आपसे नहीं होगा तो किससे होगा बताओ यार? आपका क्या स्टैंडर्ड है मैं भी जानता हूँ, ठीक है? ये 2 और ये 2। अरे पॉजिटिव वे में था यार, 0 से 0 यहाँ तक, ये ऐसे जाना है ऐसे, और 45 डिग्री पे जाना है। 45 डिग्री पे जाना है तो कितना कितना होना चाहिए? अब जैसे ये यहाँ से इसका परपेंडिकुलर यहाँ से डाल दें तो ये इसको आधे में बांटेगा और ये इसको आधे में बांटेगा, तो ये 1, 1 होगा, ठीक है? मुश्किल लग रहा है? अगला सवाल थोड़े आसान आसान से और अटपटे से सवाल करो कुछ ना, क्योंकि बोर हो गए होगे ऐसे सवालों से। ठीक ठीक से सवाल करते हैं, प्लस करें।
ये देखना, ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स। देखो क्या कह रहा है, तो आसानी। -2, -2 इज द राइट आंसर। दोनों ने गलत बताया, बस रोहतक वाले भाई साहब हैं राजा आदमी है गणित के। क्या दिक्कत आई आपको? ओहो, आज क्या होगा कि आपका दिमाग नहीं लग रहा हो पढ़ाई, मैच में लग रहा होगा। नहीं ऐसे मत लगाओ मैच में। हाँ इंटरेस्ट आप क्यों रखोगे, अनुष्का रखे आपको क्या है, आपके कौन से पति कैरियर का है। ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स 3.4 एंड 5.6। एक लाइन है 3.4 और एक लाइन है 5.6 और एक लाइन क्या है, आगे बढ़ा दिया तो ऑर्डिनेट कितना है -1। तो बता आप देख सकते हैं यहाँ से कि 4 में से 3 जा रहा है, 1 बच रहा है, 6 में से 5 जा रहा है तो 1 बच रहा है। यानी यहाँ पे भी कुछ ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें से इसको घटाएंगे और 1 बचेगा, और तो वो हो सकता है -2, तो -2 उत्तर आ गया। तो कई बार आपको ये पता लग जाएगा, कई बार यहाँ पे ऐसा पॉइंट होता, यहाँ पे होता 4.8, यहाँ पे होता 5.10, तो मैं समझ जाता कि ये इसका डबल है, ये इसका डबल है। यार ये होता क्या है बार बार, ठीक है ये इसका डबल है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये -1 किसका डबल होगा, -0.5 का, तो ये ऐसा हो जाता। तो कई बार हमें रेखा देखते ही पता लग जाती है। आप स्लोप भी इक्वल कर सकते हैं, लेकिन स्लोप भी तो ऐसे ही निकालेंगे ना घटा के, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1-1 आ गया। दोनों में सेम कंडीशन 1 लग गई तो वो यहाँ भी लगेगी, क्योंकि ये पॉइंट है तो एक ही रेखा पे। यही तो आपने इक्वेशन भी अगर निकाली इसकी इन दोनों बिंदुओं से, तो पता है इक्वेशन आएगी y-x = 1। अब वो बिंदु भी तो इसी पे होगा, तो उसका y-1 है तो x कितना आ गया, -2। तो ऐसा कभी पॉइंट आएगा या सवाल आएगा दोस्तों कर लेंगे, मुश्किल तो नहीं लगेगी आपको। चलो पिछली क्लास में जो थोड़ा बहुत पढ़ाया था उस पर एक सवाल पूछता हूँ, उम्मीद है कि आप कर लोगे। ठीक है बढ़े आगे। ओ मैक्सिमम पेज इज 30। मेरे को सबसे अच्छी फीलिंग आती है जब ये बोर्ड भर जाता है, तो इसको खाली करते हैं दोस्तों। कितना आ रहा है फर्स्ट? सही है फर्स्ट। आपको याद है मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि कॉन्करेंट लाइन कौन सी होती है जो तीनों एक ही बिंदु से गुजरती है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन गुजरेगी बेसिकली वही पूछ रहा है, वही पूछ रहा है। और वो 0-0 से भी गुजरती है, ये भी दे रखा है। तो आपने शायद इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला होगा। मैं आपको बताता हूँ इन दोनों को कैसे करते हैं। अगर हमें कोई ये सवाल दे दे कि रेखा लैम्ब्डा है, क्या है लेमडा, x+2y-3 यही है। दूसरी लाइन लेमडा 2 है, ऐसे डिनोट करते हैं लाइन को, तो 2x+y-3 है। इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो लाइन गुजरेगी उसकी इक्वेशन होगी λ1+k λ2 = 0। ये होगी। अगर हमें कोई कह दे, कभी कोई कठिन कठिन सी रेखाएं भी दे देता है कई बार जिनके इंटरसेक्शन पॉइंट इतने गंदे आ रहे हैं 8/5, 9/5, तो आपको करने की जरूरत नहीं है उसके। इसमें आपको क्या करना है कि इस लाइन को किसी भी कांस्टेंट से गुणा करके इसमें जोड़ देना, वही इक्वेशन होगी। जैसे कि मैं डायरेक्ट ये लिख देता कि यार x+2y
और -3 और प्लस के, देखना मैं कितनी फास्ट इस सवाल को करूंगा, -3 बराबर ये उत्तर होगा। अब आपको मुसीबत क्या आएगी कि अरे मैं के कैसे निकालूं भाई, मुसीबत तो आएगी ना के, तो मुझे पता है कि ये लाइन ओरिजिन से गुजरती है भाई, तो एक्स को 0 0 रखना पड़ेगा, तो के यहां से -1 आ जाएगा। देखो -3 तो ये और -3 के, तो के आ गया -1, यानी मैंने डायरेक्ट यही -1 लिख दिया। अगर मैं -1 लिखूंगा तो 3 से 3 तो कट ही जाना भाई, और एक्स इसमें से कटेगा तो माइनस का एक्स रह जाना है, और वाई घटेगा तो वाई माइनस एक्स बराबर 0, ये उत्तर है। तो दो रेखाओं के इंटरसेक्शन पॉइंट से गुजरने वाली रेखा की समीकरण, ये आप तरीका याद रख लो, ये तरीका आप याद रख लो दोस्त। बाप रे बाप, ये आप बात समझ गए, क्या बात बताइए कि दो रेखाओं के इंटरसेक्शन पॉइंट से अगर कोई तीसरी रेखा गुजर रही है तो उसकी समीकरण होती है λ1 + k λ2 बराबर 0। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। अभी तो आपकी वैसे भी हो रही होगी क्योंकि इक्वेशन आसान थी दोनों, नहीं तो मुश्किल होती है थोड़ी करना। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ये तो इनडायरेक्ट सवाल था इस बात पे, क्योंकि कॉन्करेंट लाइन जिसको बताओगे वही कर पाएगा, अगर डायरेक्ट सवाल पूछ ले इसमें। ये सवाल देखिए, शाबाश, वैसे तो हमें पता लग रहा है कि इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन, क्योंकि दोनों ही ओरिजिन से गुजर रही हैं। तो अब जो लाइन उत्तर आएगा वो भी ओरिजिन से गुजरेगी, बस उसकी ये स्लोप क्या होगी, 2.3, यानी कि वाई बटे एक्स बराबर 3/2 होगा। ये तो बहुत आसान हो गया सवाल, तो 2y - 3x कहीं है, या 3x - 2y, डी उत्तर आ रहा है, डी आ रहा है ना भाई। ये दोनों ही 0 0 से गुजर रही हैं। आप मुझे बताइए कि दो लाइन कितनी जगह काट सकती हैं, एक जगह काट सकती हैं, और दोनों ही 0 0 से गुजर रही हैं, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट भी 0 0 है। तो 0 0 से गुजरने और 2.3 से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वाई बटे एक्स बराबर 3/2। चलो तो 2y - 3x या 3x - 2y, ऐसे सवालों में भी टाइम लग रहा है, तो झंडे जिंदगी फिर आपकी। अगला सवाल, इस क्वेश्चन में कहां लिखा है, अगर हर बात लिख देगा तो आप क्या करोगे भाई। अब ये रेखा है इसमें कांस्टेंट टर्म 0 है, मैंने आते ही बताई कि कोई भी रेखा जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है वो 0 से गुजरेगी, दूसरी भी 0 से गुजरेगी, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट भी 0 है। तो मैं उसकी बात है तो 3 3 साल पुरानी याद है, और मेरी 3 घंटे पुरानी कोई बात तुम्हें याद नहीं रहती है। सवाल में कहां लिखा है कि 0 0 से गुजरेगी, बेटा अगर हर लिखी हुई बात पे भरोसा करोगे तो आगे नहीं चल पाओगे, कुछ बातें दिल पे भी लिखी होती हैं जो दिखेंगी नहीं, समझ रहे हो। तुम्हें अभी बहुत ज्ञान की जरूरत है, बहुत अधूरे हो तुम अभी। सवाल कर लो, सवाल वही बच्चा कर पाएगा जिसको मैंने बताया था और समझ में आ गई थी सारी बातें, इतने सिंपल तरीके से बताई थी। बात नहीं करूंगा मैं अगर ये सवाल भी सही नहीं किया तो। बहुत बढ़िया, आप भी बहुत सही जा रहे हो। कितने नंबर है प्री में आपके, 143। कोई नहीं, बढ़ जाएंगे, टेंशन मत लो, थोड़े
तैयार रखो। आपसे हो गया सवाल? अच्छा आपको पता ही नहीं सवाल दिया। अरे वाह, कितनी भोली है लड़की। कुछ लोग होते हैं बहुत भोले भाले, बाहर से भोले अंदर से भाले होते हैं। मुझे सब पता है, ठीक है पूछ लेना तुम अपनी मोहल्लों की आंटियों से भी, सब पता मुझे किसी की किस किस के बारे में क्या जानना है। विश्व भ्रमण किया है मैंने, विश्व भ्रमण हरियाणा ऊपर ऊपर से गया था, नीचे लड़ाई होने का डर था। सी इज द रिफ्लेक्शन। अब एक बात बताओ, सी पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे कि जी एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन है, आपने कहा था अगर एक्स एक्सिस में निकालना हो तो वाई तो ऐसे ही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा -2.4। बोला था कि नहीं बे? बोला था। अब बी अगर मुझे निकालना है बी, तो मैंने बोला था कि बी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सीन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में निकालना तो ये ऐसे ही रहेगा और ये चेंज हो जाएगा -4, तो बी भी आ गया। अच्छा ए दिया हुआ है 2.4, ये तो दिया हुआ है सवाल में 2.4, तो ए भी पूछ रहा है बे, क्या होगी ए भी? अंडर रूट 2 में से 2 गया, 4 का स्क्वायर 16, 4 और 4 8 64, 4√5 सही है कि नहीं देख लो। तो अब देखिए, अब अगर आप, अब मेरी बात सुनो, अब इतना लंबा सवाल पूछ लिया, अब आप इनको चित्र बना के, एक लड़का कर रहा है 2.4, फिर सी निकलाया गलती से, भी हो गया, तो फिर मुश्किल है। कुछ बातें तो याद रखनी पड़ती हैं और कुछ भूलनी भी पड़ती हैं अगर स्मूथ चलानी है जिंदगी। सारी बातें याद रखेंगे तो लड़ाइयां हैं। कितना अच्छा समझते हैं आप इन कंसेप्ट को, तुरंत सिरे लाते हैं। पहले वाला एक्स एक्सिस में तो वाई तो ही बदला है हमने, उल्टा कर दिया क्या? नहीं नहीं, हमने बोला सी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ए इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में हमने बोला, तो इतना करने के बाद बता रहे हो आंसर तो सही आएगा हमारा, हम गलत करें या सही करें। 2 -4 है और नीचे वाला कितना है? ये सही है ना? अरे कोई नहीं, इतना चलता है, उत्तर भी तो कोई चीज है। अच्छा ये बहुत सही सवाल है, आप बताओ मौखिक। किसने? कितना आ रहा है? 2। वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट। कोई बताएगा इस सवाल का उत्तर दोस्तों? 0। एक भी ऐसा पॉइंट संभव नहीं होगा, कई लोग 2 बता रहे हैं और 2 तो इन्हें पता होता है कि एक इधर होगा एक उधर होगा, चलो 2 बोल दो। शर्म वगैरह भी कुछ होती है, सवाल तो समझो पहले, सवाल क्या कह रहा है, कितना होना चाहिए बताने की बात तो बता दो। 0 एक भी पॉइंट नहीं होगा ऐसा। द नंबर ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच आर ए डिस्टेंस सी यूनिट सी लेस देन 3 फ्रॉम 2.3, ये 2.3 है, 2.3 है भाई। तो जो ये 2.3 बिंदु है, 2.3, इसके एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है? 3 है। इसने कहा है कि कितने बिंदु ऐसे हैं
एक्स एक्सिस के ऊपर जिनकी दूरी कितनी है, सी, और सी तीन से छोटा है। तो आप बताओगे एक्स एक्स अगर सी तीन से छोटा है तो फिर कहाँ हो सकता है कोई बिंदु। इसलिए नंबर ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच आर ए डिस्टेंस सी यूनिट्स फ्रॉम 2, 3। दूरी का मतलब क्या होता है, लंबवत दूरी। अगर आप लंबवत दूरी को भी नहीं लेके चल रहे हो, मान लेते हैं, तो थोड़ा आपने इधर खींच दिया, तो अब ये दूरी तीन से ज्यादा होगी या नहीं, ये तो तीन से ज्यादा हो जाएगी, और आपने इधर खींच दिया तो और तीन से ज्यादा हो जाएगी। यानी एक बिंदु होता, एक बिंदु भी होता अगर यहां सी लेस देन तीन लगा देता, तो एक बिंदु हो जाता अगर सी लेस देन और इक्वल टू तीन लगा देता, लेकिन उसने तो बोला सी तीन से छोटा। तो कम से कम दूरी देखिए, लॉन्गेस्ट वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तीन है तो बाकी डिस्टेंस तो ज्यादा होंगी, तो ऐसा एक भी बिंदु संभव नहीं है। तो ऐसे तुक्के मत मारोगे, दो मार रहे हो ऐसे, ये सही बात नहीं है बिल्कुल। आप ऐसी छोटी छोटी गलतियां करोगे तो फिर क्या होगा भाई साहब, बंदा मर जाएगा। एक और क्यूट सा सवाल लास्ट के, अब सारे सवालों में वही सोचता हूँ कि जैसे ही मैं थोड़ा बहुत चेंज करता हूँ सवाल, थोड़ा बहुत भी कुछ नया पूछने की कोशिश करता हूँ, तभी आप खत्म हो जाते हो। जब तक वही चल रहा हो, मैंने कहीं पढ़ाया हुआ है कुछ है, तो झट से आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि कल की क्लास में शायद एक भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक तो मैं वही सब रिवाइज करा रहा था जो मैं पढ़ा चुका हूँ। अब पूछ रहा हूँ तो आप जवाब नहीं दे रहे सही से, इधर उधर की बातों में दिमाग लगा हुआ है। ये देखना, द नंबर ऑफ लाइन दैट आर पैरेलल टू इट एंड हैव एन इंटरसेप्ट 10 यूनिट्स बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कमाल हो गया, कमाल हो गया। क्या आएगा, इनफाइनाइटली मैनी टू, कैसे बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या जवाब होगा, एक ही लाइन है 2x + 6y। अब बराबर इसके पैरेलल कोई भी लाइन है, मान लेते हैं k, हमने मान लिया, तो k को हम इस हिसाब से सेट कर देंगे कि ये वाली जो लेंथ है वो कितनी आ जाए, 10। तो ऐसे दो केस हो सकते हैं कि एक लाइन तो ये इधर आ जाए और एक लाइन किधर आ जाए, ये। तो दो लाइनें ऐसी पॉसिबल हैं जो इस लाइन के पैरेलल होंगी, जिनका ये डिस्टेंस, देखिए ये डिस्टेंस किस किस बात पे डिपेंड करेगा, इस पे और इस पे। तो दो केस हो सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे दो लाइन है, आप लग रहा होगा यहाँ भी जीरो बोल दो, लेकिन जीरो ऑप्शन में नहीं है। फिर दिल किया इनफाइनाइटली मैं नहीं बोल दूँ, ऐसी बहुत लाइनें हो सकती हैं, बहुत नहीं हो सकती, क्योंकि 2x और 6y तो फिक्स है, इसको तो चेंज ही नहीं कर सकते हम 2x और 6y को, क्योंकि इसके पैरेलल चाहिए हमें लाइन। तो ऐसी दो ही रेखाएं हो सकती हैं, एक इस क्वाड्रेंट में और एक इस क्वाड्रेंट में, जो 10 बनाएंगे। तो निकालने की जरूरत नहीं है इस चीज को। चलिए एक सवाल बता दीजिए, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द लाइन (x + y) = 1, 2। बहुत सही, कमाल कर दिया सब आपने, गणित की भयंकर समझ है आपको, आपको दो। अरे आपसे नहीं हुआ, हाँ इसमें तो कुछ है ही नहीं। जैसे आपको बताएगी अगर मैं x और y दोनों पॉजिटिव ले रहा हूँ तो x + y = 1 ऐसे लाइन आ जाएगी। एक बार x को नेगेटिव लूंगा y को पॉजिटिव तो ऐसी लाइन आ जाएगी, एक बार दोनों को नेगेटिव लूंगा तो ऐसी लाइन आ जाएगी, एक बार y को नेगेटिव x को पॉजिटिव ऐसे लाइन आ जाएगी। आपको बताइए सब एक एक है, तो डायगोनल पता है 90 पे काट रहे हैं तो एरिया क्या होगा, दोनों डायगोनल हाफ, 2 एरिया। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इफ द एंगल बिटवीन डायगोनल 90 डिग्री, (½d1d2) लगा दिया, (½d1d2) मुश्किल थी क्या? तो ये वाला सवाल याद रख लीजिए, आ सकता है ऐसा सवाल, शायद पहले भी कभी आया हुआ है। एक छोटा सवाल लिख लीजिए, द मीडियंस, कल अभी हम और बात करेंगे ट्राइंगल पे जब सेंट्रोइड वगैरह पढ़ेंगे, अभी आज थोड़ा वक्त कम है तो छोटे छोटे को सवाल ही कर लीजिए। द मीडियंस AD एंड BE ऑफ ए ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट A 0, B, B 0, 0, C A, 0,
आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो मीडियन क्या है, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो आप ये पूछ रहे हैं अगर दो मीडियन परपेंडिकुलर हैं तो इसने ऑप्शन दिए हुए हैं बी बराबर रूट ए, ए बराबर माइनस टू बी, बी बराबर रूट ऑफ माइनस टू ए, ए बराबर प्लस माइनस अंडर रूट टू बी। ये आपसे पूछ रहे हैं। कर लेंगे ऐसा सवाल, या ऐसे सवालों में भी डाउट है। कमाल कर दिया यार आपने तो, पता नहीं मुझे सही है कि नहीं, ऐसे मुझे याद थोड़ी है कोई, मैं तो बता रहा हूँ ऐसे कि कमाल कर दिया आपने। लगा सकते हैं कि वो, मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा था जैसे कि ये है सवाल, अब ये 0,0 है और ये सी पॉइंट है, कौन सा है बी, और ये सी कितना है 1,0 सी, और ये ए 0, तो हमें सारी भुजाएं बताएं कि ये अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और ये बी है और ये ए। हम जानते हैं कि जहां जहां से वो दो मीडियन निकलती हैं ए और बी ई, तो हमें पता होता है कि जहां से वो मीडियन निकल रही हैं और लंबवत हैं तो 5ab² बराबर होता है bc² प्लस ac², ऐसा कुछ पढ़ा है क्या आपने? जहां से वो मीडियन निकलती हैं, जैसे एक मीडियन ए से निकल रही है और एक बी से, तो ab का 5ab² होगा, तो यानी कि ये आ गया 5b² बराबर bc² कितना है, a² प्लस b², तो ये 4b² बराबर 2a², तो ए बराबर आ रहा है प्लस माइनस रूट टू बी। क्या डी ऑप्शन आ रहा है ऐसे? और भी तरीके से बताता हूँ, जैसे आप कर रहे थे हम क्या कर सकते थे, स्लोप निकाल सकते थे मिड पॉइंट निकाल के, करा आपने वो चीज? अच्छा लेंथी हो रहा थोड़ा सवाल। अच्छा ये वाली आपको कंडीशन पता है, ये डायरेक्ट याद रखो क्योंकि पिछली बार भी मेन स्पेस पे सवाल आया, प्री में भी आया, कि जैसे जिस ट्राइंगल की वो दो मीडियन है जैसे ए डी और बी ई, अगर यहीं पे AD और CF परपेंडिकुलर होती हैं, तो एक A से निकल रही है एक C से, तो यानी कि 5AC² आता। जहां से भी वो मीडियन निकलती हैं, यहाँ पे एक A से निकली एक B से, तो 5AB² बराबर होता है बाकी की दोनों भुजाओं के स्क्वायर का सम, अगर मीडियन परपेंडिकुलर हैं तो। एक तो ये वाली बात लिख लो, एक और इस सवाल को कैसे कर सकते हैं फिर वो देख लेते हैं। ए हाँ मान लेते हैं और बी हाँ और सी, सी पॉइंट कितना था भाई 1,0 और ए पॉइंट 0,B और बी पॉइंट 0,0, ये इसका, अब ये मीडियन है और एक ये मीडियन है, ये परपेंडिकुलर है, तो मुझे इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। इसका मिड पॉइंट कितना होगा भाई a/2, b/2, और इसका मिड पॉइंट a/2, 0। तो अब अगर मैं इसकी स्लोप निकालूं तो ये आ रही है b/-a/2 गुणा, इसकी स्लोप निकालूं तो कितनी आ रही है b/2/a/2, बात वही है -1, तो बाई टू से बाई टू कट गया दोस्त, 2b² बराबर आ गया a², तो a कितना आ गया, ज्यादा लेंथी तो नहीं पड़ रहा वो, थोड़ा आप कैलकुलेशन नहीं कर पाए, कहीं आप पाइथागोरस सुनने लगा नहीं, सोच रहे थे यहाँ ये ऐसे मीडियन निकाल के सेंड्रॉइड निकाल दूंगा, मैं नहीं मानूंगा, और फिर ऐसे पाइथागोरस, ऐसे मत करना यार, इतने मत गिर जाना, बस गिरना ठीक है लेकिन बहुत नहीं। तो चलिए अभी कल और हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कल हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटरल में कैसे सवाल बन सकते हैं, सर्किल में कैसे सवाल बन सकते हैं, कभी सर्किल की टेंजेंट अगर पूछ ले तो कैसे निकाल सकते हैं, कभी बिंदु अगर दे दे कि सर्किल के अंदर है बाहर तो कैसे बता सकते हैं, कभी लाइन और पॉइंट दे के पूछ ले के पॉइंट लाइन के एक ही तरफ होंगे या दूसरी तरफ, ये सारी नई नई चीज़ें जो एक्स्ट्रा हैं जिनके पूछे जाने की संभावना है वो हम कल की क्लास में करेंगे।